अन्योंग एरोवन मन्ना सभंगा वायु। दोस्तों, इंडिया में जिस स्पीड से बांगतन बॉयज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके बाद आर्मी हर दिन BTS से रिलेटेड किसी ना किसी यूनिक टॉपिक की डिमांड करती रहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आर्मी बांगतन बॉयज से जुड़ी किसी भी न्यूज़ को मिस नहीं करना चाहती। इसलिए आज मैं आपको BTS मेंबर V के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आप तेते पर और भी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप ओल्ड आर्मी हैं तो बांगतन बॉयज के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे कि सभी बांगतन बॉयज में तेते अकेले ऐसे मेंबर हैं जिन्हें अदर बांगतन मेंबर्स के साथ साथ BTS आर्मी भी मम्माज बॉय कहती है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तेते के BTS मेंबर बनने के इतने टाइम बाद भी आज भी वो अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, और जब भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, और उनकी फैमिली भी उन्हें उतना ही प्यार करती है। इसलिए आर्मी की भी यही विश है कि सभी पेरेंट्स तेते के पेरेंट्स की तरह सपोर्टिव हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ओनी ये सब क्यों कह रही हैं, तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि आज मैं आपको वी और उनकी मम्मा के बॉन्डिंग से रिलेटेड एक मोमेंट शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं इस बात को कई बार बता चुकी हूँ कि सभी बांगतन मेंबर्स में तेते ही अकेले ऐसे मेंबर थे जो सबसे ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स सारे दिन घर से बाहर रहकर काम करते थे, इसलिए ही तेते और उनके सिबलिंग्स को उनकी ग्रैंड मदर ने संभाला था। लेकिन 2015 में जब वी BTS डेब्यू करने के बाद फर्स्ट टाइम अपने इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए जापान जा रहे थे, उस टाइम तेते की मॉम इस बात को लेकर परेशान थी कि उनके बेटे के पास वूलन क्लोथ्स हैं या नहीं। यही सोचकर उन्होंने तेते के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव रेड जैकेट भेजी, जो कि BTS मेंबर जिन ने रिसीव की और जिनने ही तेते को जाकर दी थी। लेकिन जब तेते ने इस जैकेट को देखा तो वे काफ़ी इमोशनल हो गए, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से जानते थे कि इतनी कॉस्टली जैकेट परचेज करने के लिए उनके पेरेंट्स को लॉट्स ऑफ एफर्ट करने पड़े होंगे। यही रीज़न है कि वी ने उस जैकेट को आज भी संभाल कर रखा है और अक्सर वे उसे पहने दिख जाते हैं। वेल, एज अ BTS आर्मी हम सभी तेते पर प्राउड फील करते हैं, जो वे अपनी फैमिली के इन एफर्ट्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं और अपनी फैमिली के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपकी भी अपनी फैमिली के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, समय तो पायो।